देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के बाद अब उत्तर भारत के राज्यों में भी बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हल्की और मध्यम बारिश हो रही है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के भी कई जिले भारी बारिश से बेहाल हैं। उत्तर भारत में मॉनसून की बारिश में देरी की वजह से खरीफ फसलों की बुआई लेट हुई है, लेकिन मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब अगले 4 से 5 दिनों तक देश के मैदानी कृषि बेल्ट में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में इन दिनों बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज 1 अगस्त को भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। लखनऊ में आज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 2 अगस्त तक तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 अगस्त और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 2 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडिचेरी में भी 4 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, लद्दाख और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।